जैसा कि अभी हमने रिसेंटली चेक किया था, जो हम ओनियन की एग्जांपल लेके लेयर कर सकते स्टडी कर रहे थे, हम देख ये रहे थे कि फर्स्ट लेयर के अंदर हमने चेक करना है अमेज़न ब्रांड की डोमिनेंसी, रेटिंग, एवरेज जो 90 डेज का BSR है, नंबर ऑफ सेलर्स। तो हम क्या करते हैं सिंपली, लाइक ये एक मैंने प्रोडक्ट रैंडमली एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, ठीक है, ये मैं इसकी पोस्टल कोड सेटिंग लगा लूँ US के अंदर Amazon.com पे। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें ये आपने चेक करना है Amazon और ब्रांड की डोमिनेंस। ब्रांड तो इसका क्रिस्ट के नाम से एक ब्रांड है, ठीक है। एडोन भी मैं इसका रन कर लेता हूँ और चेक करता हूँ, तो इसमें Amazon की डोमिनेंसी एग्जिस्ट कर रही है, ये मुझे पता चल गया। ब्रांड इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ब्रांड की डोमिनेंसी, Amazon की डोमिनेंसी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फिर मैं सारे इसके यहाँ चेक करके इसका 90 डेज का BSR चेक कर लूँगा। यहाँ से भी मैं स्टडी कर सकता हूँ स्टेटिस्टिक्स के अंदर, इसका जो 90 डेज का BSR है वो मैंने देख लिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग जो है, प्रोडक्ट की रेटिंग में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की रेटिंग के लिए ये नीचे वाला ग्राफ स्टडी करेंगे। अगर आप इनको अन चेक करें तो ये रेटिंग वाला डॉट लगा, ये रेटिंग इसकी 4.7 एवरेज आ रही है, लास्ट 3 मंथ से रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स देखने हो तो आप इसके एडोन से भी चेक कर सकते हैं, इसमें इसमें टोटल सेलर जो है, एक FBA बैठा है, अमेजोन एग्जिस्ट कर रहा है, और बाकी इसमें FBM ये कोई ड्रॉप शिपर बैठे हुए हैं, ये चीज। सेकेंड लेयर के अंदर, सेकेंड लेयर में क्या होगा कि नहीं यार, नहीं, 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 नहीं,